on heating water, bubbles being formed at the bottom of vessel and detach and rise. तो एक कंटेनर में हमने वाटर को भर दिया है और उसको जब हीट करते हैं तो उसके नीचे से बबल राइज होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेक द बबल टू बी द रेडियस आर, बबल को एक स्पीयर की तरह माने जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मेकिंग सर्कुलर कॉन्टैक्ट विथ स्मॉल रेडियस। तो वो नीचे एक ऐसे स्मॉल आर रेडियस का कॉन्टैक्ट वेसल के साथ बना रहा है, ठीक है। इफ स्मॉल आर इज लेस देन आर एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी, वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर बबल डिटेच, तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम नेट फोर्स को क्या करें, अगर बैलेंस करें, एफ नेट जीरो करें फॉर जस्ट इसको डिटेच करना है। तो उसके लिए हम देखें कि एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है इज इक्वल टू क्या हो जाए, ऊपर की डायरेक्शन में उसके ऊपर ऑफ थ्रस्ट हो जाए। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से, एक्सेस प्रेशर कितना होता है, टू टी डिवाइड बाई आर इंटू एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस अप थ्रस्ट कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, इतना वाटर इसने स्प्लिट किया था इंटू जी इज इक्वल टू करना जी जीरो। तो हमें आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई को कैंसिल कर दे और टू से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे टू बचेगा। तो फाइनली साइड क्या रहेगा, 2r^4 रो जी डिवाइड बाय 3t और ये बचेगा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आर विल बी फाइनली कैपिटल आर का स्क्वायर और अंडर रूट में बचेगा 2 ρg/3t, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा।